इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, वहीं ऑटोमेकर्स भी ईवी की इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए मार्केट में नए नए ऑप्शंस पेश कर रहे हैं। और ऐसे में टाटा मोटर्स फिलहाल देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेचने वाली कंपनी बनी हुई है। हेलो एंड वेलकम टू ऑटो नेस्ट, और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। बता दें कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 8.49 लाख रुपीस है। हालांकि बहुत जल्द इंडियन मार्केट में और भी ऐसी ही सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलने वाली है, और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 3 इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जल्द ही इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पीएमवी इजी माइक्रो इलेक्ट्रिक कार। मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिक ऑटो मेकिंग कंपनी पीएमवी इंडियन मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को 16 नवंबर को पेश करने वाली है। ये कार एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार होगी जिसका नाम इजी रखा गया है। वहीं इस ईवी को 3 वेरिएंट में पेश किया जा सकता है, और वेरिएंट के हिसाब से ही इसकी रेंज 120 से लेकर 200 किलोमीटर पर चार्ज तक मिलेगी। वहीं कीमत की अगर बात करें तो ये माइक्रो इलेक्ट्रिक कार 4-6 लाख रुपीस तक की हो सकती है, जिसके साथ देश की ये सबसे सस्ती ईवी भी बन जाएगी। वहीं कंपनी ने इस कार की प्री बुकिंग को भी शुरू कर दिया है, और आप इस माइक्रो इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ 2000 रुपए देकर बुक करवा सकते हैं। टाटा ऑल्ट्रोज ईवी। 2019 में जिनेवा मोटर शो में पहली बार टाटा ऑल्ट्रोज ईवी को देखा गया था। बता दें कि ये इलेक्ट्रिक ऑल्ट्रोज पेट्रोल डीजल इंजन वाली ऑल्ट्रोज पर ही बेस्ड होगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक कार में नेक्सन वाला इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी पैक देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक ऑल्ट्रोज फुल चार्ज में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज ऑफर कर सकती है। वहीं उम्मीद है कि कंपनी इस ईवी को 2023 में होने वाले ऑटो एक्सपो में पेश कर सकती है। इसके अलावा कीमत की बात करें तो ये 12-15 लाख रुपीज के बीच में हो सकती है। सिट्रोएन C3 ईवी इंडिया। मार्केट में सिट्रोएन C3 कंपनी की सबसे सस्ती कार है। वहीं अब कंपनी जल्द ही इसे इलेक्ट्रिक अवतार में भी पेश करने वाली है, और उम्मीद की जा रही है कि इस ईवी को कई बैटरी ऑप्शंस के साथ पेश किया जा सकता है, जिसमें से एक बैटरी पैक 50 kWh का हो सकता है जो 350 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही ये भी संभावना है कि इस ईवी में एक छोटा बैटरी पैक भी दिया जा सकता है जो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल ऑटोनेस्ट को भी तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।